नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। कोरोना वायरस अब भारत तक पहुंच चुका है। मुंबई में दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं, फिलहाल उनका परीक्षण कराया जा रहा है। अब तक जानलेवा कोरोना वायरस से चीन में 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 830 लोग संक्रमित हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन की एक लड़की के जरिए फैला, जिसने चमगादड़ खा लिया था। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चमगादड़ को खाते और उसका सूप पीते हुए लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ यह मैसेज वायरल हो रहा है कि चमगादड़ खाने के बाद लड़की में कोरोना वायरस पनपा, जो लोगों में फैल गया। वहीं चीन के एक वैज्ञानिक ने ये दावा किया है कि कोरोना वायरस सांप और चमगादड़ के जरिए लोगों में फैला है। चीन के वुहान में ऐसे जीव जंतुओं का बाजार है, जहां सांप, चमगादड़, मैरमोट्स, पक्षी, खरगोश आदि बिकते हैं। इन जीवों को चीन के लोग खाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है चमगादड़ से फैलने वाला सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस सांप के जरिए लोगों में फैला। मालूम हो कि चीन में कोरोना वायरस के डर से वुहान समेत 9 शहरों को बंद कर दिया गया है। वुहान में 700 से अधिक भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है। ये वायरस ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस सीफूड से जुड़ा है। कोरोना वायरस के मरीजों में जुकाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बुखार जैसे शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं। इसके बाद ये लक्षण निमोनिया में बदल जाते हैं और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। फेफड़े में गंभीर किस्म का संक्रमण हो जाता है। अभी तक इस वायरस से निजात पाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है, लेकिन इसके लक्षणों के आधार पर ही चिकित्सक इसके इलाज में दूसरी जरूरी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि अब इसकी दवा भी खोजी जा रही है।